واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیں بھائی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثناء اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر والہانہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد آپ کے آل و اصحاب کی حضور سلام عقیدت انتہائی عزت کے لائق علماء کرام مشائخ عظام سادات کرام میرے دینی اور یقینی دوستو بھائیو اور بزرگو مجھ سے پہلے آپ نے جماعت اہل سنت برطانیہ کے عظیم قائد علامہ ظفر محمود فراشوی صاحب دامت برکاتم القدسیہ کا خطاب سنا مجھے تو حیرت ہوئی کہ اس علالت کی وجہ کے باوجود آپ کے خطاب میں جو والہانہ انداز ہے اور ذوق شوق ہے اور علم ہے یہ باعث حیرت ہے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ ان کے علوم سے قوم کو زیادہ سے زیادہ بہرمند ہونے کی توفیق دے ویسے بھی یہ مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ صاحب کے لائق شاگردوں میں سے ہیں اور ان سے توقع بھی ہمیں یہی ہے کہ یہ جس طرح علم پروری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیر تک ان کی سرپرستی قائم رکھے آج کی نشست میں مجھے پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ تقریر نہ کریں آخر میں دعا کے لیے حاضر ہو جائیں اتنی دیر سے آپ
खिताबात के सिलसिले समात फरमा रहे हैं। वजह यह है कि काफ़ी अरसा से अलील हूँ, बीमार हूँ और महाफिल में बहुत कम जाना होता है, लेकिन आप ज़ौक़ शौक़ से तशरीफ़ फरमा हैं। महफिल का उन्वान इतना मुक़द्दस है और इतना मुअत्तर है और ईमान को हरारत बख्शने वाला है। अगर मैं अपनी हाज़िरी न लगवाऊँ तो समझूंगा कि बदकिस्मती है। मैंने आया करीमा आपके सामने तिलावत की है, गौर फिक्र की दावत दूंगा। इरशाद बारी है, ऐ नफ्स मुतमईन, ऐ नफ्स मुतमईन, इरजई इला रब्बी के रादियतम मर्दिया। तू अपने रब की तरफ लौट जा, पलट कर अपने रब की तरफ जा, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। बस मेरे बंदों में शामिल हो और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। गिरामी कद्र सामेईन, यह नफ्स मुतमईन कैसे होता है? आप घबराएं ना, मैं जब उन्वान से जिस वक्त फैज हासिल कर लूंगा तो मैं आपसे छुट्टी भी ले लूंगा। ऐ नफ्स मुतमईन, ये मुतमईन नफ्स क्या चीज है? मैंने आज पढ़ा मीर सैयद शरीफ जुर्जानी को। दो आदमी ऐसे हैं कि जितने भी मसालिक हैं दुनिया में, अगर वो उन दो आदमियों को पढ़े ना तो उनको इल्म वाला नहीं कहा जा सकता। किसी भी मकतबे फिक्र का जो निसाब तालीम है उसमें ये दोनों शामिल हैं। एक मीर सैयद शरीफ जुर्जानी और एक तफ्तजानी। मीर सैयद शरीफ जुर्जानी सैयद ज़ादा, अपनी रगों में हुसैन का खून रखने वाला, कभी फनून और उलूम के सहरा में कदम रखे तो उसको गुलिस्ता बना दे, और कभी रूहानियत के फर्श पर बैठे तो अर्शी अनवार की आमाजगा उसको बना दे। मीर सैयद शरीफ जुर्जानी कहते हैं, इज़ा नुव्विरत नफ्स मिन नूर अल-क़ल्ब वल-क़ल्ब मिन नूर अन-निस्बा वन-निस्बा मिन नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वतखल्लत अन रज़ाइलिहा वतखल्लत बिऔसाफ अल-खमीदा। इस इबारत का माना क्या होगा? मीर शरीफ जुर्जानी कहते हैं, जिस वक्त इंसान के नफ्स के अंदर दिल का नूर आ जाए और दिल के अंदर निस्बत का नूर आ जाए और निस्बत का पेट नूरे मोहम्मद भर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इंसान के अंदर अनवारे हिलाया का वो समा बन जाए कि उसके अंदर से गंदगियां निकल जाएं और उसके अंदर औसाफ हमीदा का चिराग हो जाए,
उसके अंदर से गंदी खसलतें निकल जाए और उसके अंदर औसाफ है खमीदा आ जाए तो जनाब उसको बोलते अब नफ्स मुतमैन हो गया, अब नफ्स मुतमैन हो गया है। अच्छा ध्यान चाहूंगा, ये इत्मीनान बड़ी चीज है, ये इत्मीनान बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, बड़ी चीज। ध्यान मेरी तरफ। वाइज काल इब्राहिम रब्बे अरिनी कैफत हुयिल मौता। और जब इब्राहिम ने कहा ए मेरे रब मुझे बताना तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है, कैफत हुयिल मौता, ऐ मेरे रब मुझे बता के तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। दरिया के किनारे एक सड़ी हुई लाश देखी, आधी को कीड़े खा गए, आधी सलामत पड़ी है और उसको हजार कीड़े खा रहे हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा मौला तेरे राज को पाना चाहता हूं कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। रब यारेनी कैफत हुयिल मौता, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बताना तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। ये खलील है ना, तो खलील कहता है कि अल्लाह बताना, और जो हबीब है उसको कहना नहीं पड़ता, वो कहता है मेरे महबूब आ जा मेरी तरफ। ले नोरे यहू मिलना, तू हमारी तरफ आ ताकि हम तुझे आयात बताएं। कोई आयत देखने का जलवा मांगे और किसी की गोद में आयात डाली जाए, माना ये राज क्या है। फरमाया ये खलील है और मदीने वाला हबीब है। मौला मौला बता तो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। रब्बे करीम ने कहा कि काला वलम तो मिन, वलम तो मिन। अच्छा जिस वक्त किसी लफ्ज का सिला बा आ जाए या किसी जगह आओ आ जाए तो सकाकी लिखता है कि वहां पर ईमान इस्तेलाही मुराद नहीं होगा, वहां पर मानना माना किया जाएगा, वहां पर तस्लीम करना माना किया जाएगा। वगरना जो नबी होता है वो ईमान वाला ही नहीं होता, वो ईमान का कासिम भी होता है। वो तो हजारों दिलों को ईमान की गर्मी देता है। कहा के अवलम तू मिन, क्या आप मानते नहीं। तो आगे से कहा काला बला वला किल्ले यत्मन कल्बी, मानता तो हूं तस्लीम करता हूं, मैं तो तस्लीम कराने वाला हूं मौला, मैं तो तस्लीम कराने वाला हूं, लेकिन एक ईमान की मंजिल है, एक प्यार की मंजिल है मौला, मैं प्यार की मंजिल में मेराज पाना चाहता हूं। मेरे मौला मुझे इत्मीनान चाहिए। यार यार ये तकरीबे सुखन देखो, इब्राहिम कहें कि मौला ताकि दिल मुतमैन हो जाए, ऐ 1400 साल बाद में हुजूर का दामन पकड़ के मुतमैन होने वाले तेरा मकाम क्या है कि रब अर्श से आवाज दे रहा है या अय्यतुन नफ्सुल मुतमैना इरजी इला रब्बिके रादियतन मर्दिया। अच्छा मेरी तरफ ध्यान, अब मैं मौजू उठाने वाला हूं, आपको ज्यादा ज्यादा देर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कहा वला किल्ले यत्मा इन्ना कल्बी,
जी मेरा दिल मुतमैन हो जाए। राम ने कहा फखुज अरबा तम मिन तैरे फसुरुन्ना इलैक। आप ऐसे करें ना, चार परिंदे पकड़े और उनकी चटनी बना लें। चटनी बनाने के बाद सुम्मा जअलला कुल्ले जबलिन जबलिन मिनुन जुजा। फिर आप ऐसे करें कि उनमें से हर एक को एक पहाड़ की चोटी पर रख दी। जैसे फराशवी साहब ने कहा था वक्त नहीं है, मेरे पास भी वक्त नहीं, वगरना मैं परिंदे भी बताता कि एक कौवा था एक मुर्ग था, तो फिर मैं आपको बताता कि कौवे की आदतें क्या होती हैं, मुर्ग की आदतें क्या होती हैं। और इन चार की चटनी बनाएं, बनाने के बाद हर पहाड़ पर रखें। फिर है मेरे इब्राहिम तू आवाज मारना उनको। इसका मतलब यह था कि रब को पता था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनकर हो जाएंगे कि नबी कुछ कर नहीं सकता। रब ने कहा तू ही आवाज मार ताकि पता चले नबी खाली नहीं होता, बहुत से हथियार लेके आता है, हथियार लेके 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 आता है जना। या दीन कसाया आवाज मारे ये परिंदे दौड़ कर आपके पास आ जाएंगे। जो परिंदे होंगे वो तो आपके पास होंगे, जो ईमान वाला है वो नबी के पास आएगा, जो बेईमान है वो कभी नबी की दहलीज पर नहीं आएगा। भगोड़ा जो हुआ बाबा, भगोड़ा बंदा कभी नबी का मौजजा ना माने, वली की किरामत ना माने, इल्म वाले का इल्म ना माने, इज्जत वाले की इज्जत ना माने। और जिस वक्त देख लो कि कोई इज्जत वाले की इज्जत नहीं मानता, काय सहाबा का तकद्दुस ना माने, ख्याल बैत की तहारत ना माने, समझ लो कि अंदर कमी भी है। समझ लो कि अंदर कुछ गड़बड़ है, अंदर कुछ गड़बड़ है। या तीन कसाया दौड़ के आपके पास। अच्छा जनाब, तीसरा मंजर और वो भी कुरान मजीद का। ये जो इत्मीनान है ये देता क्या है, ये देता क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु मआब। जो लोग हम आदम हर वक्त अल्लाह का नाम लेते रहे, अल्लाह अल्लाह करें। एक दफा रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली को कहा कि अली तीन काम करना, लेकिन है तीनों बड़े मुश्किल। कहा जी वो तीन काम क्या है? फरमाया हर वक्त अल्लाह अल्लाह करना, कोई घड़ी अल्लाह के जिक्र से खाली ना हो, उठते अल्लाह अल्लाह, बैठते अल्लाह अल्लाह, और सुल्तानी का ताज सर पे हो तो फिर अल्लाह अल्लाह, और मैदान करबला में नेजे की नोक पर भी हो तो फिर अल्लाह अल्लाह। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब। ऐ मौला करीम, अगर मैं हर वक्त अल्लाह अल्लाह करूं। अच्छा दूसरी बात भी बता दो। कहा कि अली दूसरी बात है कि गुनाह सामने हो और आप गुनाह की तरफ देख के कहें मेरा नफ्स भूखा है, मैं गुनाह कर लेता लेकिन मुझे मदीने वाले रसूल ने मना किया है, मैं फिस्क व फजूर में आलूदा नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं काला होने के लिए नहीं आया, मैं नबी के नूर से चिट्टा होने के लिए आया हूं जनाब। और तीसरी बात फरमाया कि अगर अल्लाह कुछ दे ना दौलत तो दूसरे को उसमें शरीक करो। अगर दूसरे को शरीक कर लिया, किसी की खेती तुम आबाद करो, तुम्हारी खेती अल्लाह आबाद कर देगा, किसी का घर तुम भरो, अल्लाह तुम्हारी झोली भर देगा। जो किसी के सर पे हाथ रखे, मदीने वाले रसूल का हाथ उसके सर पर होता है। अच्छा जी, ये दौलत आ गई, ये कैरेक्टर आ गया,
ये सीरत आ गई, ये किरदार आ गया। उजूर मिलेगा क्या? कहा कुरान पढ़ो। कुरान ने कहा क्या? का एक जिक्र करने वाला, एक ईमान लाने वाला और एक आमाले सालिहा बजा लाने वाला, तूबा लहुम, उसको तूबा मिलेगी। इधर देखो मेरी तरफ, अब मैं उठाऊं आपको। कुरान ने कहा तूबा मिलेगा, तूबा तूबा। तूबा के 10 मानी किए मुफस्सरीन ने। लवफ राशवी साहब की लाइब्रेरी तफसीरों से भरी है। अच्छा जनाब, तूबा के 10 मानी, अगर 10 मानी किए तो असर की नमाज का वक्फा भी करना पड़ेगा। इसलिए एक ही माना बताऊं और आज उसी पर कनाहत करूं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम सैयदा ताहिरा फातिमा तज़्ज़रा आफीफा आबिदा के काशाना में तशरीफ लाए। फातिमा में मेरे हुजूर आए। हाय, मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम बैठे तो वो सैयदा जो सोजो गदाज का पैकर थी, जो इफ्फत और इज्मत का नगीना थी, जो रियाजत और इबादत का पैकर थी, जो नूर खुदा का जलवा थी, जो तिलावत है कुरान के साथ इसका जिस्म इतना गुदाज था कि आसमां के फरिश्ते देख के सलाम पढ़ते थे। क्या नबी की नूर नजर तुझ पर सलाम। जनाब ये किरदार, आज को शेरा उठाया हुजूर की तरफ तो उठा करके कहा, मुस्कराई तो मेरे मुस्तफा करीम ने कहा कि मेरी बेटी तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तेरे मुस्कराने से मेरा दिल ठंडा होता है, तेरे मुस्कराने से मेरा दिल सुकून पकड़ता है। हाँ, आज मुस्कराई किस लिए? तो बीबी पाक ने कहा कि मेरे बाबा, हर बाबा जिस पर अपनी बेटी के घर में जाता है कुछ लेके आता है। हाँ जी बाबा, जनाब अगर कोई माड़ा सा बाप भी हो ना, जो गरीब हो, जिस पर कोई अपनी बेटी के घर जाएगा तो भाई और कुछ ना हो जाए दो केले ही ले लेगा, कहेगा मेरी बेटी की जबान पर केला आ जाए ताकि मेरी बेटी खाएगी और मेरी रूह और मेरा दिल मुतमइन हो जाएगा। कहा बाबा, आज मेरे घर आए हैं सारे जहां में खुदा के खजानों के कासिम हैं, हर एक को नवाजा है, अगले दरूद पढ़े और पिछले सलाम भेजे, जिस सांस में तेरा नाम आ जाए उस सांस के तकद्दुस की कसमें आलम बाला में उठाई जाए। मेरे बाबा मेरे घर क्या लाए हैं? मेरे मुस्तफा करीम ने ये आयत पढ़ी जो मैंने पढ़ी, अल्लज़ीन आमनु व अमिलु सालिखातु बालहुम व हुस्नु माब। ये आयत पढ़ी तो कहा कि बाबा समझा भी देना। उन्होंने कहा बच्ची पता है ये तूबा क्या होता है? तूबा क्या है? है उन्हें कहा बाबा क्या है? उन्हें मम्मा, मेरी बच्ची मैं आज तेरे घर में एक बूटा लगा के जा रहा हूं, एक दरख्त लगा के जा रहा हूं जिसका नाम तूबा है। ये इतना ऊंचा होगा कि इसका ऊपर वाला सिरा सरे अर्श होगा और इसकी शाखें फलों के साथ और गुलों के साथ और सम्राट के साथ दुनिया सारी में फैल जाएंगी। जिधर तेरे घर से कोई मोहब्बत करने वाला होगा, तूबा की शाख उसी घर में चली जाएगी, उसी घर में चली जाएगी। ना हिंद की तख्सीस, ना सिंध की तख्सीस, ना पंजाब की तख्सीस, जो नामे हसन ले, जो नामे हुसैन ले, जो नामे फातिमा ले, जो नामे अली ले, मेरे मुस्तफा ने कहा तूबा घर में जाए और उनको ठंडे ठंडे फल मिलेंगे जिनमें लज्जत ने जन्नत वाली दी होगी।
मैं मेरी आदत नहीं है कि मैं वाहिद मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल करूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, कभी सीखा ही नहीं है। और जिस मुर्शिद को अपना हाथ दिया था उसने इस तरह निचोड़ा है, इस तरह निचोड़ा है, धोबी जिस तरह कपड़े को निचोड़ता है ना, उन्होंने कहा कि तसव्वुफ का कमाल ये है कि बंदा सर झुका के सारी जिंदगी गुजारता, गर्दन झुका करके सारी जिंदगी गुजार दे, अगर कहीं उठ गई तो वो इत्मीनान वाला दिल नहीं है, अगर झुक गई तो वो नबी के तवज्जो वाली। अच्छा जनाब, मैं एक जगह जलसा कर रहा था तो मैंने यही हदीस पढ़ी तो मुझे एक लड़का कहने लगा, शाह जी खाना खा के जाना। और मैंने कहा भाई मैं जलसों में खाना नहीं खाता, मैं बीमार आदमी हूँ, शुगर का मरीज हूँ, तो मेहरबानी करके छुट्टी। कहने लगे अच्छा फिर अंदर आओ ना, और अंदर से होके चले जाए। वो मैंने कहा यार आखिर मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे जलसे में पहुँचना है। वो कहने लगा अभी अभी तो हदीसें बयान की हैं कि जिधर जिधर कोई तूबा की शाख चली जाए उधर नबी का जो है, और मुझे तो और कोई समझ आई नहीं शाह जी, मैं तो यही समझा हूँ जो हसन और हुसैन की औलाद है वो तूबा की टहनी है ना जी, वो जिधर चली जाए, वो जिधर चली जाए वहाँ रहमतें बखेर के गुजर जाए। ये मेरा जाफिर सादिक, ये मेरे बाकिर पाक, ये मेरे मूसा कादिर, ये इमाम रिजा, इनको मामूली न समझना। जिस जगह कदम रख दे जन्नत झुक के कहती है ए दुनिया वालों मेरे मेवे खाने हैं तो मोहम्मद की आल की दहलीज पर बैठ जा। अच्छा मेरी तरफ ध्यान, आपको पता नहीं चला होगा, सुने आपको पता नहीं चला होगा लेकिन काफी वक्त गुजर गया है। मैं ऐसा खुशकिस्मत और बदकिस्मत समझ में ऐसा आदमी हूं कि अगर 2 घंटे भी तकरीर करूं तो बंदे कहते हैं शाह जी जिस वक्त चास आनी है बस ही कर देना। हाँ जी तो आप कह रहे हैं बस अब मैं जाने लगा हूं, लेकिन मेरी तरफ ध्यान दो, मैं एक बात समझाने लगा हूं, इसको गौर से सुनो आप, कि एक धमाका हो जाए ना एक किसी शहर में तो सारा शहर नहीं सहमता, लंदी कोतल से लेकर जनाब कराची तक हर बंदा सहमा हुआ, हर बंदा डरा हुआ, हर बंदा खौफ तमारा हुआ। वो कहीं कहीं बम फट ना जाए, क्या 35 करोड़ की कौम एक बम धमाके में उड़ाई जा सकती है? नहीं उड़ाई जा सकती। लेकिन ये सहमना कैसा है, ये खौफ कैसा है? अभी कुछ हुआ नहीं लेकिन हर बंदा डरा हुआ है। लेकिन मेरे हुसैन का जरा इत्मीनान तो देखो, मेरे अली अकबर का इत्मीनान तो देखो, मेरे अली असगर की शान तो देखो, मेरे अब्बास की शान तो देखो, शुहदाए करबला का मकाम तो देखो। एक नहीं 22,000 का लश्कर घेरा दिए हुए, 22,000 हम जिस वक्त कोई हमें धमकी दे हम गवर्नमेंट को कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड दीजिए, हम चीख जाते हैं, वावेला करते हैं कि हमें सिक्योरिटी गार्ड दे दें। जरा हुसैन को सलाम करो ना, मेरा हुसैन करबला में 22,000 का लश्कर घेरे हुए हैं, लेकिन हुसैन आंखों में आंखें डाल के कहता है मेरी हड्डियां पिस जाए, मैं जामे शहादत नोश कर जाऊं, मेरा खानदान शहीद हो जाए, लेकिन मैं नाना का झंडा सर नगू नहीं होने दूंगा। मैं जो मुझे परचम दिया गया है, जो मुझे परचम दिया गया है, जो मुझे मिशन दिया गया है, जो मुझे कुरान दिया गया है,
दुनिया वालों, तुम सिर्फ दुनिया में कुरान के जमजमे सुनते हो और हुसैन शहीद होने के बाद उसका सर कुरान पढ़ेगा, कुरान की तस्दीक करेगा, कुरान के बारे में सवाल करेगा, ऐ हुसैन ये राज क्या है? फरमाया राज ये है, तुम समझते हो जो चला गया वो मर गया, लेकिन जो शहीद हो वो मरता नहीं है, वो इधर भी जिंदा उधर भी जिंदा है। अगर मेरे एक जुमले को बुरा ना मनाओ तो हम मानते ही जिंदा है, इसलिए हम मातम नहीं करते। हम मानते ही जिंदा है इसलिए मातम नहीं करते। मैं मुखालिफ नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम आ करते हो और सुन्नी वाह करते हैं। हम कहते वाह हुसैन, लेकिन लेकिन अल्लामा ज़फ़र महमूद फराशवी साहब आपकी लाइब्रेरी में ये किताब पड़ी हुई है, हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, यह डॉक्टर ब्राउन की लिखी हुई है। पता है कि डॉक्टर ब्राउन ने जिस वक्त मेरे हुसैन का नाम आया तो उसने क्या लिखा? डॉक्टर ब्राउन लिखता है, नो बॉडी कैन बी कंपेयर्ड विद हुसैन इन रेगुलरिटी इन पंक्चुअलिटी एंड स्टेबिलिटी। अगर आप दुनिया में इस्तेकामत की तारीख लिखें, अगर तुम दुनिया में वक्त की पाबंदी की तारीख लिखें, अगर तुम दुनिया में उसूलों पर डट जाने की हिस्ट्री कलम बंद करें, तो वो कहते हुसैन जैसा ना पहले हुआ ना हुसैन जैसा बाद में होगा। ये उसने कहा है, मैं नहीं कह रहा, वगरना हमारा अकीदा वही है जो उलमा ने आले सुन्नत ने बयान कर दिया है, वही है वही है। हम सरे मुंह नहीं से लिखते, लेकिन बहरहाल अट्रैक्ट करता है ये जुमला। और एक और बात मैं आपको सुना दूं कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक मौके पर आए खाए एक सेमिनार हुआ, उस सेमिनार में ये असाइनमेंट ये था कि लेट अस एक्सप्लोर, आइए इस बात की तहकीक करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा नाम किसका लिया गया है, सबसे ज्यादा नाम दुनिया में किसका लिया गया है। बर्जस्ता मुत्तफिक होकर के बोले, द नेम ऑफ मोहम्मद हैज बीन इमिटेटेड बाय द मिलियंस अपॉन मिलियंस पीपल। ये हुजूर का नाम है कि अरबा इंसान ये नाम लेते रहे, ले रहे हैं और कयामत तक लेते रहेंगे। लेकिन जिस वक्त ये बात आई कि हुजूर के बाद सबसे ज्यादा नाम किसका लिया गया है, जूरी बैठी, बहस हुई और तीसरे दिन ये फैसला हुआ कि मोहम्मद मुस्तफा के बाद सबका ज्यादा नाम जो लिया गया वो हुसैन पाक का नाम लिया गया है। जिसके नाम को दुश्मन भी पुकारे, जिसके नाम को दोस्त भी ले, है हुसैन तू क्या है? मेरे मुस्तफा की वाहोश में बैठने वाले, आज जमीन वाले भी तुझे सलाम कर रहे हैं, आसमान वाले भी तुझे सलाम। यार मेरे आखिरी अल्फाज, मैं इससे ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मेरी तरफ देखो, इस बात को गौर से सुनो, है आखिरी बात लेकिन गौर से सुनो। अगर जिंदगी में कभी नेकी हो जाए ना, नेकी, तो नेकी के बाद आप क्या करते हैं? आपको एहसास हो जाए कि अल्लाह मुझसे बहुत करीब है, मैं अल्लाह से करीब हूं। अगर आपको पता चल जाए क्या करोगे? अल्लाह से कुछ मांगोगे ना? और याद रखना, दाना बंदा वो है जिस वक्त उसको पता चल जाए कि मैं अल्लाह से करीब हूं, वो कुछ ना कुछ मांगेगा। ये देखो, मैं इस दफा हज के लिए गया था तो मैं व्हील चेयर पर बीमार बहुत था, लेकिन मेरे शहर का एक ऐसा आदमी जिसकी शोहरत अच्छी नहीं है, उसको लोग कहते हैं बड़ा बदमाश है, बड़े गाने सुनता है,
मौसीकी में हर वक्त लत पत रहता है, लेकिन मैंने मुजदलफा वाली रात को उसको देखा तो जिस तरह वो रो रो करके अल्लाह से मांग रहा था, खुदा की कसम मैंने जिस वक्त उसको देखा तो जो सोज गदाज और यकसुई और दुआ का अंदाज देखा तो मैंने कहा मौला है तो ये मेरे वतन में बदमाश, लेकिन तेरी दहलीज पर आया है, इसका नफ्स टूट गया है, यार तो इसे मांग रहा है, मौला को ये जज्बा मांगने का मुझे भी अता कर दे। मशर अल हराम में है, आप समझे नहीं मैं कहना क्या चाहता हूँ। जनाब जिस वक्त कुर्ब का एहसास हो जाए तो बंदा अल्लाह से मांगता है, तुम नमाज पढ़ते हो ना तो बाद में कहते अल्लाहु अंता सलाम व मिनका सलाम तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाल वल इकराम। जनाब दुआ मांगी जाती है जिस वक्त रोजा रखते हो तो रोजा इफ्तार बाद में करते हो, अल्लाहु इन्नी लका सुन तो दुआ पहले करते हो, एहसास हो गया ना अब मैं खुदा से करीब हूँ, खुदा मेरी दुआ सुन लेगा। वो नहीं समझे तो मैं यूं बता दूं, वो इब्राहिम जिस वक्त काबा बना चुके हैं तो उनको आप बड़ी नेकी हो गई है, मैंने तामीर काबा कर ली है, उन्हें कहा पुत्र आ मैं दुआ करता हूँ तू आमीन के, फिर आसमान की तरफ देख के कहा रब्बना वबासफीन ऐ मेरे परवरदिगार इनमें एक रसूल पैदा करना। मैंने मीसाक की मीसाक के माहौल में जिसको देखा था शान महबूबी देखी थी, अल्लाह मेरी औलाद में पैदा कर दे। अच्छा मांग लिया ना, अब इधर मेरी तरफ देखो, अल्लाह पाक के रसूल ने कहा कि मेरा उम्मती वो होगा जो क्यामत तक, इब्राहिम ने एक दफा मेरा जिक्र किया था, तुम्हारी नमाज में इब्राहिम का जिक्र करना है, तुम्हारे नमाज में इब्राहिम का जिक्र करना है। मेरे मुस्तफा ने कहा अल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान। जी जनाब इधर मेरी तरफ देखो, अब मैं एक नुक्ता कहने लगा हूँ उसको गौर से सुनो। इब्राहिम भी नमाज में आ गए, उन्होंने तो जिक्र किया मौला एक रसूल भेज दे, जिस हुसैन ने करबला में नौके 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 तीर पर चढ़े और मुकाबला किया, मौला उस हुसैन का मकाम क्या है? मेरे मुस्तफा ने कहा जो इब्राहिम को याद नहीं करेगा उसकी भी नमाज नहीं, जो मेरी आल को याद नहीं करेगा उसकी भी नमाज नहीं। नमाजों में वैसे भी बच्चे नमाज दुआ है, और आपको पता है सियाणा मांगट वो होता है, आप इधर से निकले ना बाहर तो आपसे लोग खैर मांगते हैं, तो सियाणा मांगट जो होता है ना वो आपको कहेगा वो इंशाल्लाह तेरी खैर होवे, तेरे पिछले भी जींदे रहूं, अल्लाह तेनु हज नसीब करे, वो तेरी औलाद में भी अल्लाह अता करे, उसको पता है तीनों को याद करूंगा ना तो मेरी झोली भर जाएगी। मेरे मुस्तफा ने कहा मेरे पिछलों को भी नमाज में याद करो, मुझे भी याद करो, मेरी आल को भी याद करो, जब तीनों को याद करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारी झोली में भी खजाने डाल देगा। आले मोहम्मद जो है मेरे मुस्तफा की आल तो तुम्हारी इबादतों का उनवान, तुम्हारी किताब का उनवान, तुम्हारी हयात का उनवान, तुम्हारी जिंदगी का उनवान, तुम्हारी तामीर हयात का फलसफा और निजाम मुस्तफा और निजाम रसूल का सबसे बड़ा दर्स मुहर्रम शरीफ में सिर्फ जिक्र ही ना करो, हुसैन का पैगाम भी सुनो। उस बात को मैं दोहराऊंगा जो रफीक अहमद जमाली साहब ने की, किश्ती तो हम सारे कहते हैं लेकिन सारे कहते हैं ये किश्ती है, लेकिन कुछ आ आ करते रहते हैं किश्ती में बैठते नहीं, और कुछ वाह वाह करते रहे किश्ती में बैठे ना, तो मेरे सोने सारे किनारे हो गए, और कामयाब तो वो होगा जो वाह वाह भी करे और किश्ती में आके बैठे भी। और जिस वक्त तुम किश्ती में बैठ जाओगे तो तुम्हारी अपनी हरकत खत्म हो जाएगी, जिधर किश्ती जाएगी उधर तुम जाओगे, आले मोहम्मद की किश्ती में बैठो वो मुस्तफा तक पहुंचाएंगे और मेरे मुस्तफा खुदा तक।